ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि अगर जो हस्बैंड है वो अपने उसके फादर मदर ने उसको बेदखल कर दिया है घर से, तो क्या ऐसी कंडीशन में जो वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं। तो यार ये एक बात बताओ, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो ये फैलाते हैं कि मतलब बेदखल कर देंगे तो मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, अगर जो हस्बैंड है उसको उसके पेरेंट्स ने बेदखल कर दिया है, तो आप मेंटेनेंस ले पाओगे या नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी, बिल्कुल ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेदखल करा, कुछ भी करा, हमें कोई मतलब नहीं है। बेदखल कर दिया, ठीक है, तो हमें तो प्रॉपर्टी में राइट तो तब भी नहीं चाहिए थे ना। एक तो होता है बेदखल क्यों करते हैं, प्रॉपर्टी से निकालते हैं ना। बेदखल का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी से निकालना, कि भाई इससे लेना देना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब उससे और मेंटेनेंस से क्या लेना देना है, तब क्या कोई ससुर थोड़ी दे रहा था उसका मेंटेनेंस, देगा तो पति ही, तो अब भी पति ही देगा ना। अब आप कहोगे कि यार वो कुछ करता नहीं है, उसको बेदखल कर रहा है। अरे भाई कहीं रहता भी तो होगा, कहीं सोता भी तो होगा, या रोड पे ही सोता है, रोड पे तो नहीं सोता ना। तो एंटाइटल है वाइफ, तो ये चीज़ निकाल दो कि अगर बेदखल कर दिया। बहुत सारी जो वाइफ हैं इस डर से, डर के ही मेंटेनेंस अप्लाई नहीं करते, अपना राइट नहीं लेते, मतलब अपना राइट, अपना हक नहीं लेते इस डर से कि बेदखल कर दिया अब क्या लो। तो देखो ऐसा कुछ नहीं, आप मेंटेनेंस ले सकते हो। अगर आप मेंटेनेंस की जो डेफिनेशन पढ़ोगे वो पता क्या है, बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे होता है ना रोटी कपड़ा लड़की, सॉरी रोटी कपड़ा मकान, यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी और हेल्थ फैसिलिटी होगी, एजुकेशन हो गया, अगर इसको बोलते हैं। अभी इस मेंटेनेंस का मतलब ये थोड़ी है कि पैसा ही मिलेगा। अब पार्टी दूर दूर रहती है तो सोचते हैं कि यार चल पैसा लगा, मतलब पैसा दे देते हैं, कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि यार पैसा दे देते हैं, चल जो पैसा आएगा उससे वो अपना भरण पोषण कर लेगी। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है, तो आप बिल्कुल एंटाइटल हो, भले ही हस्बैंड कमा रहा हो या बेदखल हो। अब देखो इस चीज़ को देखो, लोग कहते हैं बेदखल है, काम नहीं कर रहा वो। यार एक बात हो, काम करना, कितने दिन काम नहीं करेगा, आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, कोर्ट को दिखाने के लिए परसों नहीं कर रहा, फ्यूचर में तो करेगा। एक तो होता है कि यार उसके हाथ पैर नहीं है, ठीक है, अलग कंडीशन है, वो अलग है। और ये काम ना करना, मान लो किसी की जॉब है किसी की नहीं है, तो ये परमानेंट चीज़ थोड़ी है। ठीक है, मतलब आज कर रहा है ठीक है, आज नहीं कर रहा कल तो करेगा, आज कमा नहीं रहा कल तो कमाएगा। शादी करने से पहले तो मतलब ये चीज़ नहीं सोचते कि कमाएंगे कहाँ से, तब तो भाई घोड़ी चढ़ जाएंगे, तब तो दहेज मांगेंगे ये वगैरह वगैरह, तब तो नहीं सोचते कि यार अब तुम्हें मतलब महीने की मेंटेनेंस देने में तुम्हारी मतलब ये सब फेस करना पड़ता है। तो अगर कोई वाइफ ये वीडियो देख रही है और उसको ये डर है कि भाई बेदखल कर देंगे तो कैसे मेंटेनेंस लेंगे, तो देखो आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेदखल का ना कोई हमने उसमें प्रॉपर्टी राइट लेने, हमने उसकी प्रॉपर्टी नहीं हथियानी। ठीक है, हमें अपना मेंटेनेंस चाहिए महीने का जो भी है, और वो आपका राइट है। और मैं आपको बता दूँ, इंडिया में ना राइट्स देखो छीनने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं बैंक में गया, ठीक है, बैंक में तो मैंने शॉर्ट्स डाली हुई थी, मतलब शॉर्ट्स, गर्मी है, गर्मी का टाइम है, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि भाई इधर आओ। मैंने कहा अभी क्या है, कह रहा है ये आप अलाउड नहीं हो। मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है, कह रहे ये शॉर्ट्स में आप जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, कह रहा मैनेजर ने कहा है। मैंने कहा मेरी करा बात मैनेजर से, कहता ऐसे नहीं करेगा वो बात। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा भाई कहाँ लिखा है ये, लिखा दिखा कि भाई तुमने कहीं नोटिस चिपका है वो कि ये अलाउड नहीं है। कह रहा नोटिस नहीं है, बस क्या हुआ है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई एडवोकेट है, वकील है, हम अवेयर रहते हैं, ठीक है, हमें पागल मत बना। तो राइट है यार, छीनना पड़ता है, ठीक है, आपको बताना पड़ता है। ये इंडिया है, यहाँ सच को सच करने में ही टाइम, मतलब प्रूफ करने में टाइम लगेगा, झूठ तो है ही है, सच को सच प्रूफ करने में टाइम लगता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई जब तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो कैसे आप मेरे को, फिर वो चुप हो गया। ठीक है, तो राइट है छीनना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब मैं बोलता कि हाँ चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो एक्सप्लॉइट होता ना मैं। तो यार देखो राइट है, राइट, अब मेंटेनेंस आपका राइट है। ठीक है, शादी हुई है ना, शादी जो फेरे हुए हैं, तो राइट है आपका, बिल्कुल राइट है। ठीक है, कोई रोड से चल के नहीं उठा ली घर में कि आज काम आ गई कल निकाल दी, भाई शादी की है, ठीक है, मेंटेनेंस है, राइट है, राइट है, तो राइट छीनना ही पड़ता है इंडिया में। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को डर लेके बैठे हैं तो छोड़ दो और जाओ सेक्शन 125 करो, मेंटेनेंस लो, अपना भरण पोषण, अपना राइट इंजॉय करो। ठीक है, देर लगेगी ठीक है, पर आपका राइट है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। और वो सिक्योरिटी डर गया था वैसे, तो मैंने उसको बताया मैं एडवोकेट हूँ, तो वो डर गया था, फील कर गया था यार, मतलब तो उसने मेरे को अलाउ कर दिया था, चुप हो गया था वो। ओके, तो राइट है छीनना पड़ता है, तो इन्जॉय योर राइट।
तो आप भी अपना राइट एंजॉय करो ऐसे ही, ओके, थोड़ी अकड़ दिखाओ, थोड़ा दिखाओ, आप भी अवेयरनेस हो, किसी से डरते नहीं है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, चल।